दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल किताबें तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन किताबों का महत्व सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसने किताबें लिखी हों या पढ़ी हों। हम में से कुछ लोग ही होंगे जो बुक रिलीज होने से पहले बुक खरीदने के लिए बेताब रहते हैं। दुनिया में कुछ किताबें ऐसी हैं जिनकी कीमत जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या सच में इनकी कीमत इतनी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। किताब नंबर 1, द कोडेक्स लिसिस्टर। यह किताब लियोनार्डो दा विंसी द्वारा लिखी गई है। इसमें कुल 72 पेज हैं। थॉमस कुक ने इस किताब की पहली कॉपी 1770 में खरीदी थी। बाद में 1980 में लिसिस्टर स्टेट ने इसे आर्मर हैमर से खरीदा और उसके पास यह किताब करीब 14 साल तक रही। वर्तमान में यह किताब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के पास है। बिल गेट्स ने इस किताब को 200.2 करोड़ रुपए में खरीदा, जो कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किताब नंबर 2, द गॉस्पेल ऑफ हेनरी द लॉयन। यह किताब ईसाई धर्म से संबंधित है। गॉस्पेल ऑफ हेनरी द लॉयन बुक में कुल 266 पेज हैं। यह किताब 12वीं सदी की रोमन संस्कृति से संबंधित है। जर्मनी सरकार ने इस धार्मिक किताब को सन 1983 में 81,40,000 पाउंड यानी 76 करोड़ रुपए में खरीदा था। किताब नंबर 3, बर्ड्स ऑफ अमेरिका। इस किताब को अमेरिका के बर्ड नेचुरलिस्ट और पेंटर जॉन जेम्स द्वारा लिखा गया है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्षियों की वाइड रेंज को दर्शाता है। इस किताब की एक कॉपी की नीलामी सन 2000 में 88,02,500 डॉलर में हुई थी तथा दूसरी नीलामी करीब 10 साल के बाद लंदन में हुई, जिसमें यह किताब 11.5 मिलियन डॉलर में बिकी, करीब 75 करोड़ रुपए में। किताब नंबर 4, कैंटबरी टेल्स। कैंटबरी टेल्स इंग्लैंड के मशहूर और प्रसिद्ध कवि जोफर चार्सर द्वारा लिखित सबसे अंतिम और सर्वोत्तम रचना है। कैंटबरी टेल्स बुक की पहली नीलामी सन 1988 में लंदन में की गई थी और यह किताब 7.5 मिलियन डॉलर में बिकी थी, यानी करीब 49 करोड़ में। किताब नंबर 5, फर्स्ट पोलियो। इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। वह अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार, कवि और अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनके नाटकों की नीलामी न्यूयॉर्क के क्रिस्टी स्थान में हुई थी तथा इसे माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन ने 6 मिलियन डॉलर में खरीदा था, जो कि लगभग 39 करोड़ रुपए बनते हैं। दरअसल बड़े बुजुर्ग हमसे हमेशा कहते हैं कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे समय समय पर एक अच्छे मित्र व गुरु की भूमिका अदा करती हैं। जब हम छोटे थे तो माँ पुस्तकों में चित्र दिखाकर ही हमें कहानियां सुनाया करती थी। तब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनमें से कुछ पुस्तकों की कीमत इतनी ज्यादा होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही अनोखी जानकारी वाली वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।